हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं रिव्यू शेयर करने वाला हूँ यंत्राल कंपनी की ओर से आने वाला 360 डिग्री का मोबाइल क्लिप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर सकते हो, जो कि कोई भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। एज कम्पेयर टू ये वाले से इसमें क्या डिफरेंट है, क्यों इसका बेनिफिट है, और ये अधिकतर लोग जो कि यूज करते हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला। तो आपका बजट अराउंड 100 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजन से परचेस किया था। 99 का अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ये कोई 150-200 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने परचेस के ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ओवरऑल क्वालिटी की बात करें, आपको पूरा प्लास्टिक मटेरियल का देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक मटेरियल बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और अच्छा इसके अंदर यूज किया गया है। सो इधर आपको एक स्क्रू देखने को मिल जाएगा, बैक साइड में आपको यह देखने को मिल जाएगा, तो इसके थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बैक साइड वाला बता देता हूँ। इधर माउंट करने का दो ऑप्शन दिया गया, एक इधर माउंट करने का दिया गया, एक इधर माउंट करने का दिया गया है। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हो, तो इसे आपको अलग करना है तो आप इसे अलग भी कर सकते हो। सेपरेट ये वाला यूज करना ओनली, तो ये वाला भी आप कहीं भी माउंट करके यूज कर सकते हैं, तो ये भी चीज इसके अंदर अच्छी खासी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और इसको साथ में यूज करना तो साथ में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद में डायरेक्ट आपको मोबाइल इसके अंदर लगा लेना है। तो इसके अंदर आप जो कि देख सकते हो, वर्टिकल भी लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो, जो डायरेक्शन में आपको लगाना वो डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। ये मैंने ओपन कर लिया, और इसे टाइट करना भी बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये मैंने टाइट कर लिया, अब हमारा मोबाइल जो कि नीचे वगैरह नहीं गिरेगा। और इसे आप ओपन करके जो कि स्ट्रेट 90 डिग्री रखना चाहते हो या फिर 180 डिग्री रखना चाहते हो, तो वो भी आप रख सकते हो। इस तरह आप इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे कि ये वाला हो गया, इससे क्यों ज्यादा यूजफुल है, एक तो इसके अंदर आपको स्प्रिंग देखने को मिल जाता है, तो स्प्रिंग के कारण जो कि मोबाइल लगाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और कभी कभार आप इसके अंदर मोबाइल लगाते हो तो डर रहता है कि यार मोबाइल नीचे ना गिर जाए, और कभी कभार बार बार वो बटन पे जो कि प्रेशर आ जाता है, हम प्रॉपर तरीके से जो कि एक हाथ से नहीं लगा पाते, तो एक हाथ से खींचते एक हाथ से लगाते, तो कभी कभार बटन दब जाता है, फिर आगे पीछे खसकाना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एज कम्पेयर टू ये वाले से ओपन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो मैंने इधर जो कि नॉर्मल हमारा मोबाइल होल्डर रहता है, जो कि हमारे ट्राइपॉड के साथ में या फिर कोई भी ओवरहेड स्टैंड के साथ में आता है, वो वाला लगाया हुआ है। तो मैं आपको एक डिफरेंट बता रहा हूँ, ये मेरा ओवरहेड स्टैंड है, तो ये मैंने लगाया हुआ है। अब इनकेस जैसे कि मुझे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो अभी ये देख सकते हो जैसे कि मुझे ना थोड़ा सा बाहर लेके वीडियो रिकॉर्ड करना, पर ये मोबाइल जो कि आप देख सकते हो थोड़ा सा टेढ़ा दिख जा रहा है, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में नहीं जा रहा हूँ, इसे हॉरिजॉन्टल में कर भी नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, तो इधर आप देख सकते हो जो लास्ट मुझे ये देखने को मिल रहा है, ये इतना ही देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम मैं इतना ही इसे जो कि इस साइड डायरेक्शन में कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा और इस साइड डायरेक्शन में टर्न करना, तब जाके ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल रहेगा। इनकेस मैं नीचे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, पर मुझे रिकॉर्डिंग भी हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती ये नॉर्मल वाले क्लिप की वजह से। या तो मुझे पूरा ये जो हमारा माउंट है इसे मुझे रिमूव करके दूसरी जगह पर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण ये प्रॉपर एकदम हॉरिजॉन्टल में आए, और या तो फिर मुझे जो कि नीचे कुछ भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसे मुझे इस तरह जो कि इसके हिसाब से टर्न कर देना पड़ेगा। पर टर्न कर दूंगा तो आधा नीचे बोर्ड आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो केस में हमारे 360 डिग्री वाला जो है ये वाला काम आता है। तो अब मैं इसे लगाता हूं, इसे लगा के दिखाता हूं किस तरह ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, और इसे किस तरह आप रोटेट कर सकते हो। तो मैंने 360 डिग्री वाला माउंट लगा दिया है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर जो फॉर एग्जांपल ये आपको है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नीचे साइड में जो स्क्रू है इसे आपको लूज कर देना, लूज करने के बाद में इधर आप देख सकते हो मैंने इसका चेंज कर दिया। इस तरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और चेंज करना तो और आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जितना अच्छा है उतना अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और इजी तरीके से आप आराम से हॉरिजॉन्टल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इधर से तो ये स्ट्रेट है, इसके बाद में फिर मैंने इधर से चेंज कर दिया डायरेक्शन, और आप देख सकते हो जैसे कि मुझे और भी ज्यादा चेंज करना तो ज्यादा भी मैं चेंज कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना, और इजी तरीके से आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो आराम से। जो नीचे आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये चीज आपको इस यूनिवर्सल वाले के अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है, और यही आपको ट्राइपॉड में भी कैसे बेनिफिट देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब ये ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड के अंदर मैंने नॉर्मल माउंट लगाया हुआ है मोबाइल क्लिपर वाला। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि ये अभी मैंने फ्लैट सर्फेस पर रखा हुआ है, एकदम फ्लैट सर्फेस से कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है। इनकेस आप आउटडोर में जो कि शूटिंग करते हो, तो आउटडोर में शूटिंग करने के कारण क्या होता है कि सभी सर्फेस फ्लैट नहीं रहता, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, नेचर वाला एरिया हो गया, तो वहां आपका ट्राइपॉड इस तरह स्टेबल नहीं रहेगा, जो कि है ना कहीं पत्थर रहेगा कहीं कुछ रहेगा, तो वहां ये यूनिवर्सल माउंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल और काम आएगा। वो कैसे आएगा, तो मैं सबसे पहले जैसे पहाड़ी वाला एरिया है, तो हमारे पहाड़ी वाले एरिया में क्या रहेगा, एक ट्राइपॉड का लैग ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। तो ये मैं अभी करके दिखा देता हूं, जैसे कि मैं नीचे बॉक्स रख देता हूं, तो ये मैंने एक ट्राइपॉड के नीचे बॉक्स रख दिया है एक लैग के नीचे। तो अब ये जो कि आप देख सकते हो टेढ़ा हो गया हमारा फोन। अब मैं इसे सीधा करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, या तो दो ऑप्शन है, इसे जो कि मैं ना ओपन करके ये डायरेक्शन में रखूं, पर वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ये भी लिमिटेड रहेगा। इनके जो कि आपका एक लैग नीचे भी जा सकता है, तो नीचे जाने के कारण ये नीचे साइड में हम इसे नहीं दबा सकते। इसे मैं घुमाऊंगा, घुमाने के बाद मैं इसे इस तरह कर सकता हूं, पर इसे मैं जो कि नीचे साइड में करना चाहता हूं, इस साइड डायरेक्शन में करना चाहता हूं, और भी नीचे दबाना चाहता हूं, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ना कुछ चीज जो कि कमी रह जाएगी, तो इसके लिए आपको 360 डिग्री वाले की ही जरूरत पड़ती है, इस टाइप वाले की। तो अब मैं ये वाला इस ट्राइपॉड के ऊपर लगाता हूं, और इसे मैं प्रॉपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करके दिखाता हूं।
तो ये आप देख सकते हो मैंने 360 डिग्री वाला जो कि माउंट इसमें लगा दिया, और उसी तरह जो कि नीचे मैंने बॉक्स रखा हुआ है ट्राइपॉड का, तो एक क्रिएट किया हुआ है जैसे कि आप है ना आउटडोर शूटिंग करें, कोई पहाड़ी वाला एरिया है। सो इधर आप देख सकते हो जो कि ये आप थोड़ा सा टेढ़ा, तो ऑलरेडी जो हमारे पहले वाले में लगाया हुआ था, तो ये मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। तो स्ट्रेट करने के बाद में पुराने वाले माउंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जो इधर आप देख सकते हो थोड़ा सा मोबाइल हमारा टेढ़ा रह रहा था, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल नहीं रह रहा था। तो इस जो कि क्लिपर की वजह से आप क्या कर सकते हो, इधर आप इसे रोटेट करके प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जो कि प्रॉपर डायरेक्शन आप हॉरिजॉन्टल में सेट कर सकते हो, एज कम्पेयर टू जो हमारा पुराना वाला ये क्लिपर था, ये जो कि स्प्रिंग वाला भी रहता, तो इसे आपको रिमूव करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, एज कम्पेयर टू ये वाले के अंदर आपको इजी तरीके से मोबाइल भी निकालना है। तो आराम से इसे आप टर्न कीजिए, टर्न करोगे तो ये लूज होगा, जो कि इसके अंदर स्प्रिंग नहीं देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और इजी रहता है, और आराम से आप मोबाइल इसके अंदर लगा सकते हो, वन हैंड से भी लगा सकते हो, टू हैंड से भी लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल और इजी हो जाता है। और इन केस आपको जो कि इसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी करना है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी आप कर सकते हो, इस तरह आपको रोटेट कर देना, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये आपको पूरा ट्राइपॉड को जो कि है ना सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ती, हाइट वगैरह एकदम प्रॉपर रखा हुआ है, तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल का मतलब ओवरऑल पूरा 360 डायरेक्शन। इस तरह आपको टेढ़ा रखना तो आप टेढ़ा भी रख सकते हो, तो पूरा 360 डायरेक्शन का आपको फैसिलिटी पूरा देखने को मिल जाता है। सो आपको पता चल गया है किस तरह ये यूनिवर्सल जो कि 360 डिग्री वाला आपको माउंट बहुत ही ज्यादा बेनिफिट और यूजफुल रहेगा, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना हो गया या फिर कुछ भी चीज करना हो गया, एकदम प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर आप आउटडोर कर रहे हो या फिर इंडोर कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। सो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 99 रुपीज का, अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सेम अमाउंट का 150-200 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।